hello class check out your english practice book come on chapter 9 where is the pink veil so worksheet 1 in chapter 11 where is the pink veil king kubir is taking a round of his kingdom fill in fill in the blanks with using correct doing words from the help box to see what his पीपल डूंग आर डूंग सो देखिये आपको हेल्प बॉक्स दिया गया डूइंग वर्ड्स के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं डूइंग वर्ड्स किनको बोलते हैं किसी भी वर्क को किसी भी एक्शन को हम क्या बोलते हैं डूइंग वर्ड्स राइट सो नाउ यू कैन सी दिक्चर्स एंड यू कैन कंप्लीट इट सो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन राइट right, आप पिक्चर में भी देख लीजिए अ फार्मर इज शोइंग द द द सीड्स सम सम आर आर वॉशिंग इन पॉन्ड सिटिंग अंडर ट्री सोल्जर्स आर राइडिंग द पैलेस शॉपकीपर इज सेलिंग द गुड्स बेबीज आर स्लीपिंग इन द कॉट गार्डनर्स आर गार्डिंग द प्लांट्स सम मैन आर राइडिंग ऑन द हॉर्सेस सो देखा आपने ये जो भी वर्ड्स हैं इन सब में क्या पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ वर्क किया जा रहा है कुछ न कुछ काम किया जा रहा है एक्शन हो रहा है इसीलिए हम हाँ इन्हें क्या बोलते हैं डूइंग वर्ड्स नाउ कम ऑन वर्कशीट टू किंग कुबेर इज सैड किंग कुबेर सैड है एंड आर्टिस्ट ड्रॉज अ फनी पिक्चर्स टू मेक हिम लाफ आर्टिस्ट ने फनी फनी पिक्चर्स बनाई हैं सो आर्टिस्ट ने कुबेर को हंसाने के लिए कुछ फनी पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं यू कैन सी ही लुक एट दिक्चर्स एंड कम्प्लीट द सेंटेंसेस आपको इन पिक्चर्स को देखना है और सेंटेंसेस को कम्प्लीट करना है राइट सो यू कैन सी अ बेबी इज कुकिंग फूड आपने देखा ही होगा बेबी फूड को कुक कर रहा था अ डॉग इज रीडिंग अ बुक अ वमेन इज स्लीपिंग इन द प्राम इन अ प्राम अ मैन इज क्रोलिंग अ माउज इज राइटिंग अग गर्ल इज वेयरिंग अ बेब यू कैन सी हेअ वॉट नॉर्मली मेक्स योर लाफ राइट इन योर नोटबुक अब आपको ऐसी कौन सी चीजें जिससे आप हंसते हैं यह आपको अपनी नोटबुक में लिखना है राइट नाउ कम ऑन वर्कशीट थ्री सो रीड द क्लियोस फाइंड अ वर्ड इन द लिस्ट टू ईच ऑफ क्लियोस देखिए ये आपको कुछ क्लियोस दिए गए इसमें आपको फाइंड आउट करना है कौन सा किस में आएगा द अपोजिट ऑफ शाउट शाउट का अपोजिट क्या होता है विस्प मतलब एकदम धीमे धीमे बात करना

सो थिंक ऑफ अ राइमिंग वर्ड ऑफ ईच ऑफ डीज अब आपको इसमें क्या करना है राइमिंग वर्ड्स लिखना है तो यू कैन सी व्हील का क्या हो जाएगा पेल व्हील का फील किंग का रिंग विच का स्विच गोल्ड का होल्ड कैच मैच काइंड जनरली राममिंग वर्ड्स में आप क्या करते हैं कि लास्ट वाले जो लेटर्स हैं ना उनको आप सेम लिखते हैं और स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकेंड लेटर को चेंज कर देते हैं right easy here? thank you so much bye bye